बैरिस्टर बाबू में बोंदिता का रोल प्ले कर रही। औरा भटनागर को शुरुआत से ही शो में काफी पसंद किया जाता रहा है। औरा ने जिस मासूमियत से बोंदिता के किरदार को निभाया, उससे वो बहुत कम वक्त में ही घर घर में पसंद किए जाने वाली चाइल्ड एक्ट्रेस बन चुकी है। शो की कहानी के साथ साथ औरा के दिल को छू लेने वाली एक्टिंग ही लोगों को इस शो तक खींच पाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नन्ही बोंदिता के लिए पहली पसंद औरा भटनागर नहीं थी? औरा भटनागर से पहले कई चाइल्ड आर्टिस्ट को इस शो में बोंदिता के रोल के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उनसे बात नहीं बन पाई। आइए आपको भी बताते हैं उन चाइल्ड आर्टिस्ट के बारे में जिन्होंने बोंदिता का रोल ठुकराया था। हर्षिता ओझा। चाइल्ड आर्टिस्ट हर्षिता ओझा को बैरिस्टर बाबू में बोंदिता का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे निभाने से मना कर दिया। दरअसल वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहती थी। स्पंदन चतुर्वेदी। स्पंदन चतुर्वेदी भी उन अदाकाराओं में से एक हैं जिन्हें बैरिस्टर बाबू की बोंदिता का रोल दिया गया, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। हालांकि उनके मना करने की क्या वजह थी, इस वजह का खुलासा नहीं हो पाया। रूहानिका धवन। ये है मोहब्बते सीरियल में नजर आ चुकी रूहानिका धवन को मेकर्स ने छोटी बोंदिता बनाने का मन बनाया था, लेकिन वो दूसरे शो पर ही फोकस करना चाहती थी, लिहाजा वो इस शो का हिस्सा नहीं बन पाई। वैष्णवी प्रजापति। वैष्णवी को भी बोंदिता का रोल मेकर्स ने ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया क्योंकि वो पहले ही पवित्र भाग्य सीरियल में रोल साइन कर चुकी थी। और आकृति शर्मा। कुल्फी कुमार बाजीवाला सीरियल में लीड रोल निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली आकृति को भी बैरिस्टर बाबू सीरियल में छोटी बोंदिता का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने इस शो को करने से भी मना कर दिया। और अंत में बोंदिता का रोल गया औरा भटनागर की झोली में। और वो जिस तरह से इस शो में अदाकारी दिखा रही हैं, उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि शायद ही कोई और इस किरदार को औरा से बेहतर निभा पाता।